और साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, राहुल गांधी ने चीन को लेकर जो कल भारत और चीन में समझौता हुआ, दोनों सेना वापस लौटने के बाद उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि प्रधानमंत्री कायर हैं, उन्होंने अपनी जमीन दे दी। कुंद बुद्धि, अब ये कुंद बुद्धि का कमाल है या कुंदे की टाल है ये तो कांग्रेस पार्टी बता पाएगी, लेकिन एक बात समझने की जरूरत है कि ये व्यक्ति देश की सुरक्षा पर, देश के सम्मान पर कोई पहली बात तो इस तरह की कुंद बुद्धि वाली बात नहीं कर रहे हैं। जब हमारे सुरक्षा बलों ने घुस घुस करके आतंकवादियों का सफाया किया था तब भी सबूत मांगे जा रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल किए जा रहे थे, देश की पुख्ता सुरक्षा नीति पर भी बवाल किया जा रहा है, तो ये कहाँ की सुपारी है और किस सुपारी कहाँ से सुपारी लेकर के देश को बदनाम करने की षड्यंत्र तो साजिशों में कुंद बुद्धि के ये लोग लगे हुए हैं ये तो वो लोग जाने, जनता बार बार उनको हिसाब किताब करती। लेकिन एक बात मैं कांग्रेस का न कभी समर्थक रहा हूँ, ना कांग्रेस का मैं एमए कभी रहा हूँ, मैं गैर कांग्रेसवाद के आंदोलन से निकल कर गया हूँ जयप्रकाश नारायण। एक बात आपको समझना होगा कि कांग्रेस के जो मित्र हैं उनको पप्पू जी के कोच को भी बदल देना चाहिए, कोचिंग भी बदल देना चाहिए, अन्यथा हर दिन पप्पू जी जो है वो नो बॉल करते रहेंगे, हर दिन जो है वो रन आउट होते रहेंगे। लेकिन तो एक बात उन्होंने ये भी कही कि जहाँ पर भारतीय सेना ने जो कब्जा किया था चीन की ज़मीन को, वहाँ से तो हम लौट गए, लेकिन हमको हमने वापस चीन को ज़मीन अपनी दे दी। ये रक्षा विशेषज्ञ है या क्या है? अरे भैया, कम से कम देश के रक्षा मंत्री पर, देश की संसद पर विश्वास करो, बेवकूफ़ी को बात छोड़ो। तो धन्यवाद, साफ तौर पर रघुवीर जी ने कहा कि देश के संसद में और रक्षा मंत्री को भरोसा करना चाहिए राहुल गांधी को, और इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।